मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचा कर रखी हुई है। जिले के 13 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग अपना घर द्वार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। यही आलम मुजफ्फरपुर कांटी प्रखंड के मुस्तफापुर पंचायत सहित कई इलाकों का है। वहीं प्रभावित लोगों के बीच जनप्रतिनिधियों के प्रति खासा रोष दिखा जा रहा है। मुखिया से चाहे विधायक कुछो से ककरो से हमरा बउआ जी काम न भेला। उम्मीद कितना कर रही वोट देते समय? हां वोट देते समय क्या उम्मीद किए थे? वोट तो मुखिया के लोग सब लोग देलकै, मुखियो के देलकै, वार्डो के देलकै, न वार्ड से कुछ होला या ना मुखिया से हमरा सब कुछ फायदा बुझायला, हमरा सब कुछ मिलबे न कहलक त हम त कथी बताऊ, मिले तब न हम सब बतैती को लेकर। लेकिन क्या कोई सरकारी मदद मिला है अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है यहां पे। और मुखिया सरपंच चाहे और कोई जनप्रतिनिधि जो मिलने आए हैं इधर देखिए? नहीं आई, अभी कुछ नहीं मिला है। विधायक कहाँ? विधायक भी नहीं आया अभी तक, कभी नहीं आए। गांव के जैसे स्थिति था, आप लोग मेरे साथ चलते थे कांटी प्रखंड के मुस्तफापुर पंचायत में। सलेमपुर बगाई के लोग कुछ काफ़ी दह चुके हैं, उनसे कोई नेता मंत्री भेंट करने नहीं आते हैं। यहाँ के जेडीयू के विधायक लापता हैं और आपको हम दिखाए जो तस्वीर, बहुत तरह से काफ़ी घर डूब चुका है। वहाँ के जनता के निकलने के लिए कोई आश्वासन नहीं है। मैं सरकार के जिला अधिकारी और प्रखंड अधिकारी से मांग करता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ खाने पीने की अर्थव्यवस्था किया जाए और जो लोग अंदर में डूबे हुए हैं वो लोग को बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, उनको तिरपाल दिया जाए, खाने के लिए सामान दिया जाए और शौचालय टंकी का व्यवस्था भी करवाया जाए। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ।